डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माई ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो 4 लेके आया हूँ, ऑन बिफोर ब्रेकफास्ट बाय योजीन ओनील, इंग्लिश फॉर बीए सेकंड ईयर सेमेस्टर 4। अब तक आपने देखा कि मिसेज रोलैंड कंटिन्यू स्पीकिंग टू एड्रेस हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से वो बात कर रही है, एंड हर हस्बैंड इज साइलेंट टिल नाउ। सी रिफ्लेक्ट्स ऑन हेलेंस लेटर और हेलेन के लेटर पे सोच विचार कर रही, एंड शी इज डिस्कसिंग हेलेंस लेटर दैट शी हैड फाउंड फ्रॉम वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ द वेस्ट ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की वेस्ट में से जो जैकेट होती है, वेस्ट टाइप की होती है, उसकी एक पॉकेट में एक लेटर मिला था एक लड़की का जिसका नाम हेलेन है, उसके बारे में अपनी टिप्पणी कर रही है। शी इज कमेंटिंग ऑन द लेटर दैट शी हैड फाउंड फ्रॉम पॉकेट ऑफ दी वेस्ट ऑफ अ हस्बैंड। डिफाइंटली बोलती है, डिफाइंटली होता है चुनौतीपूर्ण तरीके से बात कर रही है। आई हैड ए राइट टू रीड इट, मुझे अधिकार था उस पत्र को पढ़ने का। आई एम योर वाइफ, मैं आपकी पत्नी हूँ। शी कम्स टू द चेयर एंड सिट्स डाउन, वो चेयर के पास आती है और बैठ जाती है। आफ्टर ए पॉज, थोड़ी देर के बाद, आई न्यू ऑल द टाइम यू आर रनिंग अराउंड विद समवन, मुझे कई दिनों से, बहुत लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई हैड बीन सस्पिशियस अबाउट यू बिकॉज आई थॉट दैट यू वर रनिंग अराउंड समवन, किसी के आगे पीछे भाग रहे हो आप। योर लेम एक्सक्यूजेज अबाउट स्पेंडिंग द टाइम एट द लाइब्रेरी डिडंट फूल मी, और जो तुम्हारे लेम एक्सक्यूजेज थे, लेम एक्सक्यूज होते हैं झूठे बहाने, कि तुम लाइब्रेरी में अपना वक्त गुजारते हो, वो सारे गलत थे, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हु इज द हेलन एनी वे, आखिरकार ये हेलन कौन है? वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, क्या उन कलाकारों में से है जिनकी अक्सर आप बात करते हो? और डज शी राइट पोइट्री टू, क्या ये भी पोइट्री लिखती है? अ लेटर साउंड्स दैट वे, लेटर पढ़ने में तो ऐसा ही लगता है कि वो पोइट्री लिखती है। आई बेट शी टोल्ड योर थिंग्स वर द बेस्ट एवर एंड यू बिलीव्ड हर लाइक ए फूल, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि जब आप उन्हें अपनी कविताएं सुनाते होंगे, शॉर्ट स्टोरीज सुनाते होंगे, तो वो उन्हें बहुत शानदार कहती होगी और तुम एक बेवकूफ़ की तरह उसकी बातों में विश्वास कर लेते होंगे। इज शी यंग एंड प्रिटी, अब मिसेस रोलैंड की असुरक्षा की भावना बीच में आ रही है और पूछ रही है, क्या वो नौजवान है, सुंदर है? आई वॉज यंग एंड प्रिटी टू, मैं भी कभी नौजवान थी, सुंदर थी। आई वॉज यंग एंड प्रिटी, मैं भी सुंदर थी, नौजवान थी। वेन यू फूल्ड मी विद योर फाइन पोइटिक टॉक, जब आपने मुझे अपनी कवितापूर्ण बातचीत से बेवकूफ बनाया था। बट लाइफ विद यू वुड सून वेयर एनी वन डाउन, परंतु जीवन तुम्हारे साथ जीना किसी को भी उकता देगा, बोर कर देगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। आई हैव बीन थ्रू, कैसे कैसे यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ा है, वो अपने बारे में बात कर रही है। मुझे कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा है तुम्हारे साथ जीते हुए। गोज ओवर एंड टेक्स द कॉफी ऑफ द स्टोव, अब किचन की तरफ बढ़ती है जहाँ, और कॉफी के पॉट को स्टोव से नीचे उतार लेती है और फिर ऊंची बोलती है, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट तैयार है, विद ए कंटेम्प्टुअस ग्लांस। और कंटेम्प्टुअस होता है घृणापूर्ण, जिसमें डिसलाइक होती है, नापसंदी होती है, और बड़े ही कंटेम्प्टुअस तरीके से वो बोली, ब्रेकफास्ट, पोर्स आउट अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर सेल्फ, अपने लिए भी कॉफी एक प्याले में, एक कप में उड़ेल लेती है, एंड पुट्स द पॉट ऑन द टेबल, और उस बर्तन को टेबल पे रख देती है और बोलती है, योर कॉफी विल बी कोल्ड, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग स्टिल शेविंग फॉर हेवन से, तुम कर क्या रहे हो, भगवान के लिए बताइए कि अब तक शेव कर रहे हो? यू हैड बेटर गिव इट अप, तुम्हारे लिए अच्छा है शेव करना छोड़ दीजिए। वन ऑफ दीज मॉर्निंग्स यू विल गिव योर सेल्फ ए सीरियस कट, और आजकल तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं और आप अपने चेहरे पे एक बड़ा कट लगा लोगे। शी कट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर से, इस वक्त वो ब्रेड को काट रही है और उसके ऊपर बटर लगा रही है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्पीचेस शी ईट्स एंड सिप्स हर कॉफी, आने वाली बातचीत में वो कॉफी के साथ कॉफी भी पी रही है और साथ में ब्रेड खा रही है, ब्रेड भी खा रही है और कॉफी की चुस्कियां भी ले रही है, सिप कर रही है। आई हैव टू रन एज सून एज आई हैव फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही मैं खाना, ब्रेड को खा लूंगी तो मुझे दौड़ना पड़ेगा, अपने काम पे जाना पड़ेगा, क्विकली जाना पड़ेगा, तुरंत ही जाना पड़ेगा। वन ऑफ अस हैज गॉट टू वर्क, हम दोनों में से किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। गुस्से में कहती है, आर यू गोइंग टू लुक फॉर ए जॉब टूडे, आरंट यू?
क्या आज आप काम की तलाश में जाओगे? क्या नहीं जा रहे हो? आई शुड थिंक सम ऑफ योर फाइन फ्रेंड्स वुड हेल्प यू। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे कुछ अच्छे मित्र हैं, वो आपकी मदद करेंगे काम को प्राप्त कराने में। इफ दे रियली थिंक यू आर सो मच, यदि वो वाकई सोचते हैं कि तुम उनके एक अच्छे मित्र हो, तो जरूर तुम्हें वो काम दिलवाएंगे। बट आई गेस दे जस्ट लाइक टू हियर यू टॉक। परंतु मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो सब बनावटी मित्र हैं। वो सिर्फ आपको बोलता हुआ सुनना चाहते हैं, आपकी शायरी सुनना चाहते हैं, आपकी कविताएं सुनना चाहते हैं। फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाती है, सिट्स इन साइलेंस फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। शायद वो अपने पति के रिस्पॉन्स की उम्मीद करती है। आई एम सॉरी फॉर दिस हेलन, इस हेलन के लिए मुझे बड़ा अफसोस है। हू एवर शी इज, ये हेलन जो कोई भी है, इसके लिए मुझे अफसोस है। हैवंट यू गॉट एनी फीलिंग्स फॉर अदर पीपल? क्या तुम्हारे अंदर दूसरे लोगों के लिए भावनाएं नहीं है? What will her family say? इसका परिवार क्या कहेगा? I see she mentions them in the letter. मैंने देखा है कि उसने अपने पत्र में अपने परिवार का जिक्र किया है। What is she going to do? करेगी क्या? Have the child, बच्चे को जन्म देगी? Go to one of those doctors, या किसी डॉक्टर पे जाएगी? That's a nice thing. वह एक अच्छी बात होगी। I must say, मुझे कहना चाहिए। Where can she get the money? पैसा कहाँ से मिलेगा उसे? She rich? क्या वो अमीर है? She waits for some answer to this volley of questions. इतने questions का वो जवाब सुनने के लिए चुप हो जाती है। You won't tell me anything about her, will you? मुझे पता है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। Much I care, come to think of it, I'm not so sorry for her after all. मुझे उसके लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। She knew what she was doing. बच्ची नहीं है वो, उसे पता है वो क्या कर रही थी। She isn't any school girl like I was. मेरी तरह वो स्कूल में जाने वाली लड़की नहीं है। From the looks of her letter, उसके लेटर को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि वो स्कूल में जाने वाली वो बच्ची नहीं है। Does she know you are married? क्या वो जानती है कि तुम शादीशुदा हो? Of course she must. वाकई उसे जानना चाहिए। All your friends know about your unhappy marriage. तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी अनहैप्पी मैरिज के बारे में जानते हैं। आई नो दे पिटी यू, मैं जानती हूँ कि वो तुम पे तरस खाते होंगे। बट दे डोंट नो माई साइड ऑफ इट, परंतु मेरी साइड की वो नहीं जानते। मेरे बारे में उन्हें नहीं पता कुछ भी। दे वुड थिंक डिफरेंट इफ दे डिड। अगर वो मेरी सच्चाई सुनते, मेरी बात सुनते, तो वो शायद अलग तरीके से सोचते। टू बिजी ईटिंग टू गो ऑन फॉर ए सेकेंड और सो, एक या दो सेकंड के लिए खाने में अधिक व्यस्त होने के बाद फिर बोलती है, दिस हेलन मस्ट बी ए फाइन वन। ये हेलन अच्छी लड़की होनी चाहिए। इफ शी न्यू यू वर मैरिड, अगर इसे पता है कि तुम शादीशुदा हो। व्हाट डज शी एक्सपेक्ट देन? अगर इसे पता होता कि तुम शादीशुदा हो, तो फिर वो क्या उम्मीद कर सकती है तुमसे? दैट आई डाइवोर्स यू एंड लेट हर मैरी यू। शायद यही कि मैं तुम्हें डाइवोर्स कर दूंगी और उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। डज शी थिंक आई एम क्रेजी इनफ फॉर दैट? क्या वो सोचती है कि मैं पागल हूँ कि मैं डाइवोर्स दे दूंगी? आफ्टर ऑल यू हैव मेड मी गो थ्रू, आखिरकार तुमने मुझे यातनाओं से गुजारा है, तुमने मुझे बहुत दुख दिए। आई गेस नॉट, मैं उनके बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहती। एंड यू कांट गेट ए डाइवोर्स फ्रॉम मी, और आप मेरे से डाइवोर्स नहीं ले सकते। एंड यू नो इट, जानते हो। नो वन कैन से आई हैव एवर डन एनीथिंग रॉन्ग, कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैंने कभी आपके साथ गलत किया था। ड्रिंक्स द लास्ट ऑफ हर कप ऑफ कॉफी, कप में जो भी थोड़ी बहुत कॉफी थी उसको पी जाती। शी डिजर्व्स टू सफर, दैट्स ऑल आई कैन से। मैं यही कह सकती हूँ कि हेलन भी दुख उठाना डिजर्व करती है, उसे दुख उठाने होंगे। आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक, मैं जो कुछ सोचती हूँ मैं बता रही हूँ। आई थिंक योर हेलन इज नो बेटर देन ए कॉमन स्ट्रीट वॉकर, मुझे पता है कि तुम्हारी हेलन आम लड़कियों जैसी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। देयर इज ए स्टिफल्ड ग्रोन ऑफ पेन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, इस वक्त उसको साथ वाले रूम में से एक दबी दबी कराहने की आवाज आती। फिर वो चिल्लाती है, डिड यू कट योर सेल्फ अगेन, क्या तुम्हें फिर कट लग गया है? सर्व्स यू राइट, गेट्स अप एंड टेक्स ऑफ हर एप्रन, और उठती है अपना एप्रन उतार देती है, जो उसने अपने एप्रन बांधा हुआ था उसको खोल देती है। वेल आई हैव गॉट टू रन अलोंग, पीवियसली चिढ़ते हुए भागती है। दिस इज ए फाइन लाइफ फॉर मी टू बी लीडिंग, आई वॉन्ट स्टैंड फॉर योर लॉफिंग एनी लॉन्गर, मैं तुम्हारी आवारगी का अब अधिक साथ नहीं दे सकती। समथिंग कैचिज हर ईयर एंड शी पॉजेज एंड लिसन्स इंटेंटली। अभी वो जाने वाली थी ऑफिस की तरफ, अपने काम पे जाने वाली थी, तभी उसको फिर उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं, कराहने की आवाजें आती हैं, और वो ध्यान से सुनती है। इंटेंटली मीन्स ध्यान से सुनती है। देर वहां से आ रही, यू हैव ओवरटर्न द वॉटर ऑल ओवर एवरीथिंग, तुमने पानी खिंडा दिया है। डोंट से यू हैवन, मत कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया। आई कैन हियर इट ड्रीपिंग
ऑन द फ्लोर। उसे लगता है जैसे पानी फर्श पे टपक रहा था, ड्रिपिंग कर रहा था। उसे लगा कि उससे पानी छिंड गया है, पानी डुल गया है। उसे ऐसा लगता है। ए वेग एक्सप्रेशन ऑफ फियर कम्स ओवर हर फेस। और अब उसके चेहरे पे एक भय का एक्सप्रेशन आ जाता है, वो डर सी जाती है। फिर वो बोलती है, एल्फ्रेड व्हाई डोंट यू आंसर मी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। शी मूव स्लोली टुवर्ड्स द रूम। धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ती है। देयर इज द नॉइस ऑफ ए चेयर बीइंग ओवरटर्न्ड। और एक चेयर के उलटने का शोर सुनाई देता है। एंड समथिंग क्रैशेस हेविली टू द फ्लोर। कोई वस्तु धड़ाम से फ्लोर की तरफ गिरती है। ये आवाज आई, ये आवाज भी उसे सुनाई दी। शी स्टैंड्स, वो खड़ी हो जाती, कांप रही है, ट्रेमलिंग विद फ्राइट, डर के मारे कांपती है। अल्फ्रेड अल्फ्रेड आंसर मी, मेरी मेरी बात का जवाब दो। व्हाट इज इट यू नॉक्ड ओवर, किस चीज से टकराए हो तुम। आर यू स्टिल ड्रंक, क्या तुम अभी भी नशे में हो। अनेबल टू स्टैंड द टेंशन ए सेकंड लॉन्गर, शी रशेस टू द डोर ऑफ द बेडरूम। और जब वो एक पल के लिए भी इस टेंशन को सहन नहीं कर सकती तो दरवाजे की तरफ भागती है, बेडरूम के की ओर लपकती है। अल्फ्रेड शी स्टैंड्स इन द डोरवे लुकिंग डाउन एट द फ्लोर। और फ्लोर पे देखे जा रही है और बीचों बीच दरवाजे के खड़ी हो जाती है, ट्रांसफिक्स्ड विद हॉरर, और भयभीत हो जाती है। देन शी श्रीक्स वाइल्डली, और वो चीखती है, बुरी तरह से चीखती है, और रन्स टू द अदर डोर, दूसरे दरवाजे की तरफ भागती है। अनलॉक्स इट, उसे खोलती है। एंड फ्रेंजिडली पुल्स इट ओपन, और पागलों की तरह दरवाजे को खोलती है। एंड रन श्रीकिंग मैडली इनटू द आउटर हाफ हॉलवे, और बाहर हॉल की तरफ वो पागलों की तरह चीखती हुई निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ वन एक्ट प्ले खत्म हो जाता है, एक इंटरनल मोनोलॉग की तरह खत्म होता है, जिसमें एक भी शब्द उसके पति ने नहीं बोला। किसी और वन एक्ट प्ले के साथ मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस। थैंक यू वेरी मच।